सरस्वती पैराडाइज स्कूल के प्रधानाचार्य और अन्य कुछ शिक्षकों को स्कूल से किया गया टर्मिनेट। हालांकि मैं आपके माध्यम से शिमला एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये सिचुएशन लास्ट 3 महीनों में ज़्यादा खराब हुई। जो मैनेजमेंट है स्कूल की, जिन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया, ऐसी इंसिडेंट स्कूल के अंदर हुई कि मुझे अब दुख हो रहा है कि मैं अपने स्कूल को रिवील कर रहा हूँ। हालांकि शिमला में बड़े टॉप स्कूल्स हैं और मैंने कोशिश की थी कि सरस्वती पैराडाइज को एक नाम बनाने की कोशिश करूं। उसमें मीडिया हाउसेज का बहुत योगदान रहा कि जब भी कोई अचीवमेंट्स वहाँ पे होती थी तो आपके माध्यम से मैं उसको लोगों के बीच अपनी बात या मेरे बच्चों के अचीवमेंट या मेरे टीचर्स के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता था। आज सवेरे जैसे ही मैं उठा तो मुझे पता चला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिसमें कुछ ऐसे आरोप मेरे पे लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो चीज़ें मैं एटलीस्ट शिमला सिटी में, तो क्योंकि लोगों ने वो, क्योंकि वो वीडियो खुद ही वायरल किया गया, क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए वो जैसा भी था वो मैनेज था जो भी था, लेकिन जैसे मैं सवेरे उठा तो मुझे ये पता चला कि मुझे टर्मिनेट कर दिया गया स्कूल से। और टर्मिनेट ऐसे किया गया कि ऐसा डिसीजन जिसको मैं बोलूँगा कि कोई तुगलकी फरमान जारी होता है कि आप कल से स्कूल नहीं आएंगे। मैंने 12 साल इस स्कूल में काम किया। CBSE बाईलॉज से ये स्कूल गवर्न होता है। CBSE एफिलेटेड है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 987 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और मेरे पास टीचिंग नॉन टीचिंग को मिला के 70 लोगों का स्टाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।